गुड एमसी फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स एनएफ पे हम बहुत सारी वीडियोस आज तक देखते आए हैं, तो आज मैं आपसे बात करूंगी। बहुत बड़ा मार्केट जो है पूरे वर्ल्ड का, नॉट ओनली इंडिया का, वर्ल्ड का बहुत बड़ा मार्केट जो है हेयर फॉल, हेयर, बालों की समस्या, बाल झड़ना, बाल ग्रो नहीं हो रहे, ग्रे हेयर, वाइट हेयर, डैंड्रफ, ये सभी प्रॉब्लम्स जो है, ये हेयरफॉल की प्रॉब्लम्स आजकल बहुत कॉमन हो गई है। दोस्तों, इट्स अ बिग मार्केट नावाडेज। अगर हम हेयरफॉल की बात करें, अच्छे अच्छे ट्राइकोलॉजिस्ट ये बात जानते हैं कि आज उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत अलग लेवल पे जा चुकी है, क्योंकि ट्राइकोलॉजिस्ट अब बेसिकली हेयर स्पेशलिस्ट, तो उनको अच्छी तरह पता है ये बात कि हेयर का मार्केट जो है बहुत बड़ा हो गया है। दोस्तों, मैं आपसे आज एक प्रश्न करती हूँ, एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से कि हम बालों में तेल क्यों लगाते हैं। व्हाट इज द रीजन कि हम बालों में ऑयल लगाते हैं? जी हाँ, आप सभी लोगों ने जवाब भी दिया होगा और आई थिंक आपका गैस करना सही है। हम ऑयल इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे बाल अच्छे हों, जड़े मजबूत हों और अच्छे बाल ग्रो हो सकें, इसलिए हम नॉर्मली हेयर ऑयल लगाते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये भी है दोस्तों कि क्या हम जो हेयर ऑयल्स मार्केट से लाके लगा रहे हैं वाकई वो आपकी हेयर की ग्रोथ को बढ़ा रहा है? वाकई न्यूट्रिशन दे रहा है जो आपकी जड़ों को चाहिए बाल के? और अगर यदि वैसा हो रहा होता तो आज हेयरफॉल का मार्केट इतना बड़ा नहीं होता। दोस्तों, बड़े बड़े से ब्रांड्स, मैं खुद भी सेल्स इंडस्ट्री में पहले मैंने जॉब की है, तो बड़े बड़े ब्रांड्स मैंने देखे हैं जो मार्केट में हेयर के प्रोडक्ट्स लेके आती हैं, चाहे वो हेयर ऑयल हो, हेयर सीरम्स हो, हेयर की बहुत सारी जेल्स आते हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आते हैं, लेकिन फिर भी वो हर किसी कस्टमर को या क्लाइंट को सूट नहीं करता। ये भी एक रीज़न है। मैं आपसे एक चीज़ बोल रही हूँ कि अगर बाकी मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे हेयरफॉल के प्रोडक्ट्स होते हैं तो आज हेयरफॉल इतना बड़ा मार्केट क्यों होता? क्वेश्चन इज दैट। दोस्तों, हेयर ऑयल्स के हम एडवर्टीजमेंट्स बहुत सारे देखते हैं टीवी में कि हेयर लंबे हो जाएंगे, ग्रे हेयर से बच सकते हैं, हेयर फॉल से बचेंगे, ये सारे एडवर्टीजमेंट्स हम देखते हैं। और अल्टीमेटली जब वो प्रोडक्ट ला के यूज़ करते हैं तो कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं जिनको सूट करते हैं, बाकी सभी लोग अपने हेयर ऑयल और शैम्पूज को ऑफेंडली चेंज करते रहते हैं। ये आप देखेंगे अपने आसपास भी, स्पेशली महिलाएं अपने हेयर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत ऑफेंडली चेंज करती हैं। बहुत कम महिलाएं ऐसी हैं या पुरुष भी ऐसे हैं जो एक ब्रांड यूज़ कर रहे हैं तो कई टाइम यूज़ करते हैं। दे कीप ऑफेंडली चेंजिंग। क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि सूट ही नहीं करता है। अब मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ हेयर जो ऑयल्स हम यूज़ करते हैं मार्केट के, एक्स वाई जेड जितने भी हेयर ऑयल ब्रांड्स हैं, किसी भी ब्रांड को मैं बुरा नहीं कहना चाहूँगी, बट एक कंपैरिजन जरूर दिखाना चाहूँगी कि मार्केट के हेयर ऑयल वर्सेज आईएमसी का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जिसका नाम है आईएमसी का हर्बल हेयर ऑयल। दोस्तों, हम मैंने आपसे पूछा था कि हेयर ऑयल हम क्यों लगाते हैं? हेयर ऑयल हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी जो जड़ें हैं बालों की वो हेल्दी हों और अच्छे बाल ग्रो हों, हेयर वाइट ना हो। इसलिए दोस्तों, मार्केट में जो हेयर ऑयल्स मिलते हैं, जितने भी हेयर ऑयल्स हम यूज़ करते हैं, ये कहीं ना कहीं केमिकल बेस्ड होते हैं, सिंथेटिक फॉर्म में बनाए होते हैं, जिसकी वजह से आज आप देखेंगे हेयरफॉल इज़ अ बिग मार्केट और 20, 22, 24 साल के भी यंगस्टर्स के हेयर वाइट होने लगे हैं। आज आप देखेंगे कि मेल्स में सबसे बड़ा मार्केट जो है वो हेयरफॉल का। आप यहाँ से देखेंगे फ्रंट के पैच से उनके हेयर जो है वो सारे गिर जाते हैं, और साइंटिफिकली फ्रंट के पैच पे से जो बाल गिर गए हैं उसको उगाना एक इट्स इम्पॉसिबल, एक तरह से असंभव है। या तो आप वहाँ पे सर्जरी से कर सकते हैं, कॉस्मेटिक से कर सकते हैं, ट्राइकेट से कर सकते हैं, इन्हीं तरीक़ों से कर सकते हैं। ये जो पैच है यहाँ से हेयरफॉल मेल्स में ज़्यादा होता है। महिलाओं में आप देखेंगे तो जब वो हेयर कॉम करती हैं, नॉर्मली अपने हेयर को फील करती हैं, उसके बाद अगर देखेंगे तो हाथ में हेयर की बहुत सारे फॉल्स होते हैं। दोस्तों, हेयरफॉल जो है नॉर्मल एवरेज ही कॉम करते हुए हेयर गिरना इज नॉट अ हेयर फॉल, लेकिन जब आप हेयर को टच करते हैं या फील करते हैं उसमें हेयर फॉल, बाल जब आप धोते हैं तो हेयर लॉस हो रहा है, ये एक तरह का हेयर फॉल है। मैं आपसे बात करूंगी आईएमसी के प्रोडक्ट हेयर ऑयल की। हेयर ऑयल जो है बेसिकली ये यूज़ करना चाहिए न्यूट्रिशन के लिए कि हमारे बालों की जो जड़ है, फॉलिक्स जिसको बोला जाता है, उस जड़ को प्रॉपर तेल, जैसे हम एक पेड़ में पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, वो पेड़ की जो जड़ें हैं उसको मजबूत करने, ताकि उसका जो स्टेम है या फ्रूट है या जो फल होगा वो अच्छा स्ट्रांग होगा, उसी तरह हमारे बालों में जो जड़ होती है जिसको फॉलिक्स कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में, वो फॉलिक्स को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, तभी हमारे हेयर की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी। तो हेयर ऑयल की अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन सिंथेटिक फॉर्म यानी केमिकल बेस्ड नहीं है, क्योंकि आईएमसी के सभी प्रोडक्ट्स आप जानते हैं यहाँ पे मेंशनड है ऑर्गेनिक है, फर्स्ट थिंग। दोस्तों, ऐसे कौन से कंटेंट्स हमने इसमें डाले हैं कि हम इसको बोलते हैं प्रिवेंट्स हेयरफॉल एंड ग्रेइंग ऑफ हेयर,
ऐसे कौन से कंटेंट्स हमने डाले हैं जिस पे हम ये वाला जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा है ये लिखते हैं। तो मैं आपसे इसको कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले आप देखेंगे कि IMC के हर प्रोडक्ट में एलोवेरा तो होता ही होता है। अब एलोवेरा हेयर के लिए सबसे पहले काम कहाँ आता है? एलोवेरा सबसे पहले काम करता है हेयर लॉस के लिए, यानी हेयर फॉल अगर आपका हो रहा है तो एलोवेरा हेयर फॉल से आपको प्रिवेंट करता है। दूसरा है ईचिंग। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको स्कल्प में हमेशा खुजली रहती है, ईचिंग करते रहता है, तो ईचिंग में एलोवेरा काम करता है। और थर्ड थिंग, एलोवेरा इज अ एंटी डेंड्रफ प्रोडक्ट। तो एलोवेरा डालने का लॉजिक ये है कि आपके डेंड्रफ भी अगर बालों में है तो आप उससे रिकवर कर सकते हैं। हमने इसमें कंटेंट डाला हुआ है जिसका नाम है आंवला। आंवला बेसिकली क्या करता है, जो हमारे स्कल्प है यानी जो हमारा सर है, इसकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारे बालों की या स्कल्प की बढ़ गई तो बाल जो है उसकी जो जड़ें वो मजबूत हो जाएगी और अच्छी जड़ें बाहर आएगी। तो आपकी हेयर की जो क्वालिटी अगर थिन है तो वो थिक हो जाएगी। तो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए हमने इसमें डाला है आंवला। और बहुत पुराने, लगभग 5-10 हज़ार साल पुराने से चलता आ रहा शिखा का ये कंटेंट हमने इसमें डाला है। हम सभी लोग जानते हैं कि हम हमारे पुराने जितने भी दादा परदादा वगैरह यूज़ करते थे, शिखा का ही यूज़ किया करते थे फॉर हेयर। क्यों यूज़ करते थे उसका आज मैं कारण आपको दूंगी। इसमें हमने शिखा काई भी डाला है। शिखा काई का सबसे पहला रीज़न क्या है कि ये विटामिन्स का भंडार होता है। जितने विटामिन्स आप जानते हैं शिखा काई में पाए जाते हैं, तो शिखा काई विटामिन्स का भंडार होता है। विटामिन्स मिलने से क्या होगा, आपकी हेयर जो है, बाल जो है वो डैमेज अगर है तो उसको रिपेयर हो जाएंगे। बालों में जो सेल्स होती हैं उसको रिपेयर कर देगा और एक अच्छे सुंदर ब्यूटीफुल बाल आपको मिल सकते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला, जो भी है उनको एक अच्छी हेयर की क्वालिटी मिल सकती है। आगे हमने इसमें एक डाला हुआ है सरसों का तेल, जिसको मस्टर्ड ऑयल भी बोला जाता है। सरसों का तेल हमने इसमें क्यों डाला है, क्योंकि ये एक नेचुरल कंडीशनर है बालों का। सरसों का तेल अगर आप देखेंगे किसी, बहुत से लोगों ने आपने लिया होगा अगर हाथ में, तो आप ऐसा फील करके देखेंगे तो बहुत स्टिकी होता है और सॉफ्ट होता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। किसी भी पोर्शन पे लगा देंगे तो वो जगह एकदम सॉफ्ट हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि नेचुरल कंटेंट्स उसके अंदर ऐसे होते हैं कि वो जहाँ पे भी लगता है, अप्लाई किया जाता है, वो पोर्शन को सॉफ्ट कर देता है। तो हमने इसमें डाला मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। इसका मतलब ये है कि आपके हेयर जो है, बाल जो है वो सॉफ्ट, सॉफ्टनिंग ऑफ हेयर के लिए सरसों का तेल बहुत काम आता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हेयर कलर कराते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला। लेकिन अगर हेयर कलर कर रहे हैं आप तो हेयर आपके रफ एंड ड्राई होते हैं, तो सरसों का तेल इसमें एक कंटेंट है जो सॉफ्ट कर देगा आपके हेयर को और हेयर फॉल से भी बचाएगा। एक बेहतरीन कंटेंट इसमें हमने डाला है तुलसी। बहुत सारे लोग तुलसी का फ़ायदा जानते नहीं है कि तुलसी हेयर फॉल में कहाँ कैसे काम आती है। तो तुलसी की अगर मैं बात करूँ तो ड्राई हेयर जितने होते हैं उनको जड़ से रिपेयर करती है तुलसी। अगर तुलसी, जैसे मैं अपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स में बात कहती हूँ कि कोई भी हेयर ऑयल अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें तुलसी के ड्रॉप्स या 12 कैप्सूल के ड्रॉप डाल के उसको रख दीजिए और फिर उसको यूज़ करना शुरू करिए। इसका रीज़न क्या है कि ये ड्राइनेस जो होती है बालों में, जितनी ड्राइनेस होगी जड़ों से उसको निकाल देगी तुलसी। तो इसमें वैसे बहुत सारे कंटेंट्स हैं लेकिन मैंने कुछ स्पेशल कंटेंट्स पर आपसे बात की है। दोस्तों, हेयर ऑयल को यूज़ करने का सही तरीका क्या है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैंने पुरुषों में ये आदत देखी है कि वो ऑयल लगा के दिन भर बाहर जाते हैं। मॉर्निंग में नहाने के बाद वो ऑयल अप्लाई कर देते हैं और बाहर चले जाते हैं और सारा दिन, चाहे वो धूप में रहते हो, एसी में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो वो ऑयल जो है वो सारा दिन उनके स्कैल्प में रहता है। दोस्तों, ओवर ऑयल लगाने से हमारा जो स्कल्प है, जो जड़ें हैं, वहाँ पे एक लेयर बन जाती है जिसको प्लाज्मो भी बोला जाता है। एक पतली सी लेयर बन जाती है और वो लेयर की वजह से फिर बाल झड़ना शुरू हो जाता है। तो हेयर ऑयल को सही मैनर में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा हेयर ऑयल ना यूज़ करें, स्पेशली मेल्स सुबह में लगा के दिन भर उस हेयर ऑयल को ना रखे बालों में, उससे भी हेयर फॉल और बाल झड़ने की समस्या होती है। हेयर ऑयल को यूज़ करने का सही तरीका क्या है दोस्तों, रात में इसको हेयर ऑयल को लगाएं और मॉर्निंग में वॉश कर दें, चाहे पुरुष हो या महिला। सही तरीका यही है, रात में हेयर ऑयल लगाइए, रात भर रहने दीजिए और मॉर्निंग में आप उसको वॉश कर दीजिए। हफ्ते में कम से कम एटलीस्ट 2 बार आप हेयर ऑयल ज़रूर लगाएं, क्योंकि हेयर ऑयल जो है वो आपकी बालों को न्यूट्रिशन देता है। अच्छा हेल्दी रखने के लिए हेयर ऑयल लगाना अनिवार्य है, बहुत कंपल्सरी है। तो इसीलिए IMC का हेयर ऑयल जो है मार्केट के हेयर ऑयल से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ कंटेंट्स ऐसे हैं जो आपकी हेयर की ग्रोथ भी अच्छी रखेगा, हेल्दी रखेगा और सुंदर बाल अगर आप चाहते हैं तो आप हेयर ऑयल का इस्तेमाल आज से शुरू कर दें। साथ में और अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए, जिसको एलोपेशिया हो गया है या डेंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे केस में आप ट्रू हेल्थ की कैप्सूल लीजिए, 2 से 3 कैप्सूल्स कट करके इसमें डाल दीजिए एंड देन इस हेयर ऑयल को यूज़ करना शुरू करिए। यू विल सी फास्ट रिजल्ट, गुड रिजल्ट। तो ये थे हमारे IMC का बेहतरीन प्रोडक्ट हेयर ऑयल।
और ऐसा ना सोचें कि ये प्रोडक्ट सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए भी है, क्योंकि बाल चाहे पुरुष के हो या महिला के, हेयर ऑयल तो हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था ये वीडियो हमारा हेयर ऑयल पे, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हेयर ऑयल रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ आफ्रीन मेमन साइनिंग ऑफ।